अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव को मुसलमानों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। प्राइवेट चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये चुनाव जीने मरने का सवाल है। मोहम्मद यासीन ने कहा, इस बार का चुनाव दो गठबंधनों के बीच लड़ रहा है। एक गठबंधन संविधान को सर्वोपरि मानकर लड़ रहा है तो दूसरा गठबंधन संविधान को दरकिनार कर लड़ रहा है। एक सबके हित में न्याय करने की बात कर रहा है तो दूसरा अन्याय करने की कोशिश कर रहा है, जो खास तौर से अल्पसंख्यकों के लिए नुकसानदेह होगा। मोहम्मद यासीन ने आगे कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये हमारे जीवन मरण की बात है। हमें बहुत सोच समझकर चुनाव में भाग लेना है, उन लोगों के लिए वोट करना है जो संविधान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इस चुनाव में सबको हर हाल में हिस्सा लेना है। अब लोगों की पसंद क्या होती है ये अगले 5 साल पर निर्भर करेगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि चुनाव में सबकी बात होनी चाहिए, सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं होनी चाहिए। देश में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। बनारस में क्या विकास हुआ वो साफ दिखाई देता है, यहाँ माहौल हमारे पक्ष में नहीं है। मोहम्मद, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं खुद अटल बिहारी वाजपेयी को वोट करता था क्योंकि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे घर भी आए थे, लेकिन अब पीएम कड़वी जुबान बोलती हैं। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं कहा। आज जो हो रहा है वह बहुत अफसोस की बात है।